नमस्कार दोस्तों, मिस्टर जोलीज म्यूजिक क्लासेस चैनल पर एक और नॉलेजफुल वीडियो में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है कुलविंदर जोली और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आप अगर सिंगिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे आप सिंगर हो या इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो, नए हो या पुराने हो, ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूँ वो जानकारी आपके सारी उम्र काम आएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक सिंगर और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर में क्या क्या अच्छे गुण होने चाहिए। इससे पहले हम इसके बारे में बात करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एक अच्छे सिंगर और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर में क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सिंगर यानी गायक की, कि एक अच्छे सिंगर में क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण है, जिसकी आवाज में मधुरता और सुरीलापन हो वो एक अच्छा सिंगर कहलाता है। नंबर दो, जो संगीत संबंधित ज्ञान, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का भरपूर ज्ञान रखता हो, ये भी एक अच्छे गायक का गुण है। पॉइंट नंबर तीन, जिसको गायन और वादन के सभी शैलियों का ज्ञान हो तो वो एक अच्छा गायक कहलाता है। पॉइंट नंबर चार, जिसका अपनी आवाज पर पूरा अधिकार हो, मतलब वो नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी सप्तकों में सभी स्वरों पे सफलतापूर्वक गा सके तो एक अच्छा गायक कहलाता है। पॉइंट नंबर पांच, जिसका कंठ श्रुति और स्वर यानी कोमल और तीव्र को अच्छी तरह निकाल सके, मतलब बेसुरा ना हो, तो वो एक अच्छा गायक कहलाता है। पॉइंट नंबर छह, जो ताल और लय को पूर्ण रूप से प्रयोग करना जानता हो तो वह एक अच्छा गायक कहलाता है। पॉइंट नंबर सात, जो मेहनती और स्वर साधना में लगा रहे, ये भी एक अच्छे गायक का गुण है। पॉइंट नंबर आठ, जिसको कुदरती रूप से सुरीला गला मिला हो तो ये भी एक अच्छे गायक का गुण है। पॉइंट नंबर नौ, जो स्टेज पर निडर होकर गा सके वो भी एक अच्छा गायक कहलाता है। पॉइंट नंबर दस, जिसने अच्छे ढंग से संगीत की शिक्षा प्राप्त की हो तो वो भी एक अच्छा गायक कहलाता है। पॉइंट नंबर ग्यारह, जो अनेक राग रागनियों का ज्ञान रखता हो तो एक अच्छा गायक कहलाता है। पॉइंट नंबर बारह, जो खुद भी संगीत की रचना कर सके तो एक अच्छा गायक कहलाता है। पॉइंट नंबर तेरह, जिसमें दोष ना हो और जिसका चरित्र अच्छा हो तो एक अच्छा गायक कहलाता है। पॉइंट नंबर चौदह, जिसका अपनी आवाज पर पूरी तरह कंट्रोल हो और शुद्ध शब्द उच्चारण करता हो जो हर कोई समझ सके तो एक अच्छा गायक कहलाता है। पॉइंट नंबर पंद्रह, जिसके दिल में कला को ऊंचा उठाने और ज्यादा से ज्यादा सीखने की इच्छा हमेशा बनी रहे तो एक अच्छा गायक कहलाता है। पॉइंट नंबर 16, जो संगीत की उपासना करने वाला और अपने गुरु उस्ताद का आज्ञाकारी हो तो एक अच्छा गायक कहलाता है। जो दांत पीस कर ना गाता हो, मुंह ऊंचा करके ना गाता हो, डर कर ना गाता हो, आत्मविश्वास रहित होकर ना गाता हो, जल्दी जल्दी ना गाता हो, ज्यादा मुंह फाड़ कर ना गाता हो, कांपती आवाज में ना गाता हो, जो गले की नसें फुलाकर ना गाता हो, मुंह टेढ़ा करके ना गाता हो, आंखें बंद करके ना गाता हो, हाथ पैर हिलाकर ना गाता हो, गाते समय मुंह से सीसी की आवाज या सांस लेने की आवाज ना प्रकट करे तो ये सब एक अच्छे गायक यानी सिंगर के अच्छे गुण हैं। अगर आपको भी एक अच्छा गायक बनना है तो ये सब गुण आपको भी अपनाने होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक अच्छे वादक यानी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर में क्या क्या अच्छे गुण होने चाहिए उसके बारे में। पॉइंट नंबर एक, जो हाथ और उंगलियों को अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानता हो, यानी कितनी जोर से और कितने हल्के से आघात करना है, तो ये एक अच्छे वादक का पहला गुण है। पॉइंट नंबर दो, जो गायन और वादन का ज्ञाता हो, मतलब जो गायन और वादन दोनों की पूरी जानकारी रखता हो तो ये भी एक अच्छे वादक का गुण है। पॉइंट नंबर तीन, जो वादक ताल और लय का ज्ञाता हो, जिसको ताल और लय का संपूर्ण ज्ञान हो, यह भी एक अच्छे वादक का गुण है। पॉइंट नंबर चार, जो हाथ के गुण और अवगुणों को भली भांति जानता हो तो अच्छा वादक होता है। जो योग्य श्रोता के अभिप्राय को समझकर बजा सकता हो तो अच्छा वादक कहलाता है। जो वाद की ध्वनि को अच्छी तरह समझ सके, ये भी एक अच्छे वादक का गुण है। जो सम अधिग्रह को अच्छी तरह समझता हो तो एक अच्छा वाद्य कहलाता है। जो गीत और नृत्य दोनों पर वादन करने में निपुण हो तो वो एक अच्छा वाद्य कहलाता है। ग्रह और न्यास के संबंध में जिसे ज्ञान हो
तो वो एक अच्छा वादक कहलाता है। जो वाद्य के सब प्रकार के भेदों से अवगत हो तो एक अच्छा वादक कहलाता है। रूप एवं सुरेखा युक्त जिसका शरीर हो तो ये भी एक अच्छे वादक का गुण है। जो वाद्य यंत्र को निर्मूल यानी निपुणता से मिलाने की क्षमता रखता हो तो ये एक अच्छे वादक का गुण है। स्थिर चित्त एवं शांत मस्तिष्क वाला ये भी एक अच्छे वादक का गुण है। जो अपनी उम्र से बड़े को उचित सम्मान देने वाला व्यक्ति हो तो ये भी एक अच्छे वादक का गुण है। जो वाद्य की स्वच्छता यानी वाद्य की देखरेख और साफ सफाई का ध्यान रखता हो तो ये भी एक अच्छे वादक का गुण है। जो अपने ऊपर गर्व न करता हो, मतलब जिसे अपने वादन और अपनी काबिलियत पर घमंड न हो, तो ये भी एक अच्छे वादक का गुण है। क्षमता से ज्यादा द्रुत लय में बजाने का अभिनय ना करने वाला, ये भी एक अच्छे वादक का गुण है। संगति यानी मंच पर दूसरे कलाकार को हीन ना दिखाने वाला, यानी दर्शकों के सामने दूसरे कलाकारों की खामियों को ना दिखाने वाला, ये भी एक अच्छा वादक होता है। जो गुरु शिष्य परंपरा को अच्छी तरह जानता हो तो ये भी एक अच्छे वादक का गुण है। जो समय का पाबंद हो यानी मंच पर समय से पहुंचे तो ये भी एक अच्छे वादक का अच्छा गुण है। जो अपने वादन में फुर्तीला और देर तक बिना थके मंच में परफॉर्म कर सकता हो तो ये भी एक अच्छे वादक का एक बहुत अच्छा गुण है। अगर आपको भी एक अच्छा वादक बनना है तो ये सब गुण आपके अंदर भी होने चाहिए। वीडियो के शुरू में हमने गायकों के गुण बताए थे, उन सब गुणों के अलावा गायकों में कुछ और भी गुण होने चाहिए। चलिए वो सब भी आपको बता देते हैं। लेकिन वो सब गुण बताने से पहले आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही म्यूजिक से रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ भी मैं म्यूजिक से रिलेटेड नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। सभी सोशल मीडिया के लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए अब गायकों के कुछ और गुण आपको बताते हैं। जो बेताला और बेलय ना हो, यानी कि जो परफॉर्मेंस करते वक्त लय का पूरा ख्याल रखे, लय में आगे पीछे ना हो, तो ये भी एक अच्छे गायक का एक अच्छा गुण है। जो अपने स्वर का पक्का हो, यानी कि जो गाते वक्त स्वर को प्रॉपर लगा सके, तो ये भी एक अच्छे गायक का अच्छा गुण है। जो नीरस ना गाता हो, मतलब जिसके गायन में रस और फील बहुत ज्यादा हो, तो ये भी एक अच्छे गायक का अच्छा गुण है। जो कंपित आवाज में ना गाता हो, मतलब जिसकी आवाज ना कांपती हो, तो ये भी एक गायक का अच्छा गुण है। जो नाक से ना गाता हो तो ये भी एक गायक का अच्छा गुण है। बिना किसी परिश्रम से गाता हो, यानी कि सुनने वालों को ये ना लगे कि गायक जो गा रहा है उसमें उसका जोर लग रहा है या उसका चेहरा बिगड़ रहा है या उसको अपने दिमाग पे जोर देना पड़ रहा है। अगर इस तरीके से कोई गायक ना गाए तो ये भी एक गायक का अच्छा गुण है। जो स्वर पकड़ में पक्का हो, यानी कि एक बार सुनने से जिसको ये पता लग जाए कि कौन सा स्वर बज रहा है, तो ये भी एक गायक का अच्छा गुण है। जो ऑडियंस की पसंद के अनुसार गा सकता हो, यानी कि जो ऑडियंस को पसंद हो उसी हिसाब से गाए, तो ये भी एक अच्छे गायक का अच्छा गुण है। जो कर्कश और बेसुराना गाता हो, तो ये भी एक अच्छे गायक का एक अच्छा गुण है। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके सारी उम्र काम आएगी। इस चैनल पर म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेजफुल वीडियो हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें देख लेना। मिलते हैं आपसे नए लेसन और नए वीडियो के साथ। जब तक जय माता दी।